आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। हाँ, टी शर्ट जरूर क्रिप्टॉन की पहनी है क्योंकि मेन तो क्रिप्टॉन है और साइंस विद सूरज दोनों ही चैनल हमारे साथ चलते हैं। लेकर एक और वीडियो एमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। इस बार एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी तीनों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं स्टार्ट। 10 क्वेश्चन सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो को जोड़ के एक बनता, डीकंपोजिशन में तोड़ते हैं तीन तरीके से, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल। डिस्प्लेसमेंट मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को लाता आता, डबल डिस्प्लेसमेंट डबल काम होता है उसके अंदर, दो बार एलिमेंट एक दूसरे से कंपाउंड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का सर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 gives you ZnSO4 प्लस H2। Zn में ऑक्सीजन एड हुआ तो ये होता है ऑक्सीडेशन, H2SO4 में से ऑक्सीजन निकला तो इसको हमने बोल दिया रिडक्शन। जब दोनों साथ में हुआ तो रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Zn यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ है, H2SO4 यहां रिड्यूस हुआ है और साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट। Why respiration is considered as an exothermic reaction? क्यों respiration को एक exothermic? Exothermic का मतलब होता है energy का release out होना। यहां पर when respiration की बात होती है तो हम oxygen लेते हैं और oxygen लेने के बाद हम खाने को break करते हैं, उससे energy निकलती है 38 ATP। सर ये reaction याद है क्या? ये वाली जो किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर C6H12O6 टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। किसमें टूटता है सर? CO2 में, O2 में और 38 ATP में। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी निकल रही है इसलिए इसको क्या बोला गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ POP एंड इट्स यूजेस। पीओपी की रिएक्शन लिख देते हैं भाई। पीओपी दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिप्सम से बनता है। जिप्सम इज CaSO4 डॉट 2H2O व्हेन इट इज हीटेड इन एट 373 केल्विन, इट गिव यू CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2H2O। इट इज बेसिकली पीओपी एंड इट इज बेसिकली जिप्सम। पीओपी के यूजेस सिंपल है, सीलिंग में वर्क करता है, प्लास्टर्स को प्रिपेयर करने के काम आता है, आइडल्स बनाने के काम आता है, बेसिक सी चीज है। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सर समझिए, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी मैं ऐसे हटा रहा हूं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? मेटल की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड। मान लो Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2। तो जब भी मेटल या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। दूसरा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा Fe प्लस O2 गिव्स यू Fe2O3, Cu प्लस O2 गिव्स यू Cu, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और आयरन के केस में से रस्टिंग बोलते हैं। Fe2O3 पे ब्राउनिश कलर का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर पे ग्रीनिश कलर का। थर्ड, रिएक्शन विद वॉटर। वॉटर के साथ अगर रिएक्ट करा, मान लो सोडियम प्लस H2O तो क्या बनाएगा? NaOH, दैट इज द बेस। क्या बनाता है? बेस। और
और सोडियम को तो पानी और ऑक्सीजन से दूर रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रख दिया जाता है ना। ये होती है रिएक्शन, ठीक है, तीन रिएक्शन काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग। बेसिकली जब हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, या तो कार्बोनेट का ओर होगा या तो सल्फाइड का ओर होगा। कार्बोनेट के ओर की होती है कैल्सीनेशन, वेयरएज सल्फाइड के ओर की होती है रोस्टिंग। सर क्या फर्क है इन दोनों में? कैल्सीनेशन हीट देना ही होता है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जिंक कार्बोनेट को हम डायरेक्टली हीट दे देंगे तो बन जाएगा ZnO plus CO2 इन द एब्सेंस ऑफ O2 कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट की ओर होती है, whereas रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर ZnS है जिंक सल्फाइड तो पहले उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो फिर बनेगा ZnO plus SO2। तो ये आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल दे रहा बहुत सिंपल है सर, इसके एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा कार्बन एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, हाइड्रोजन एक डॉट, हाइड्रोजन दो डॉट, हाइड्रोजन तीन डॉट, हाइड्रोजन चार डॉट। एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, और ये सब ले लिया, तो ये बना CH4 सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ फोर स्टार्टिंग एल्कोहॉल्स, कल के पेपर में आएगा एमपी बोर्ड वालों, फोर स्टार्टिंग एल्कोहॉल्स बनाने। पहला बनाएंगे मिथेनॉल, सेकेंड बनाएंगे इथेनॉल, थर्ड बनाएंगे प्रोपेनॉल, फोर्थ बनाएंगे ब्यूटेनॉल। मिथेनॉल बेसिकली बनता है कार्बन एक, हाइड्रोजन लगाएंगे इधर, मतलब एक और इधर एक, एक OH, क्योंकि मिथेनॉल है तो ये बन जाएगा CH3OH। इथेनॉल में कार्बन दो, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, C2H5OH, ये बेसिकली इथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल कार्बन तीन, इधर OH, एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, पांच, छह एंड सात, C3H7OH प्रोपेनॉल। सिमिलरली ब्यूटेनॉल चार कार्बन एक ओ एच, यहां पर एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, पांच एच, C4H9OH, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज जिसमें डिफरेंस हमेशा CH2 का होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चेक करो डिफरेंस CH2 का होता। तो होमोलॉगस सीरीज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द प्रीसीडिंग एंड द सक्सेडिंग इज ऑलवेज CH2। दो प्रॉपर्टीज होती है भाई, पहली डिफरेंस CH2 का होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी, दूसरा जो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा 14U, कितना होगा 14U। एक्सप्लेन पीएच स्केल इंपॉर्टेंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी आना चाहिए। पीएच का मतलब तो बताइए, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल बेसिकली जिसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, पीएच कैन लीड्स टू टूथ डिके, फार्मर यूज सॉइल टू चेक द पीएच, या आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाइड्रोजिनेशन इज नन अदर देन एडिशन रिएक्शन जिसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इसके अंदर
अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स अनसेचुरेटेड। जैसे C2H4 में H2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बनेगा C2H6। अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में बदलता बदलता नहीं है, थोड़ी सी उसकी अनसेचुरेटेडनेस कम हो जाती है, तो हाइड्रोजनेशन ये कह रहा। तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, अब देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, सॉरी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज सप्लाइड एट एनी गिवन कांस्टेंट टेंपरेचर। तो रेजिस्टेंस के चार फैक्टर्स होते हैं यार। पहला होता है लेंथ, जिससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिससे इनवर्स है। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल को कैसे सर लिखते हैं, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो L upon A, proportionality का साइन लगाएंगे, लगाएंगे रो। रो क्या आता है, रेजिस्टिविटी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, जिससे डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये चार फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। What is Snell's law and absolute index? Snell's law refraction का ही second laws में क्या define करता है कि the sine angle of incidence to the sine angle of refraction is always constant। यह है ना laws of refraction में second part। The sine angle of incidence to the sine angle of refraction is always constant। रही बात absolute index की, जिसका formula होता है n is equals to स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस द स्पीड ऑफ लाइट, लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाट इज मायोपिया, कॉजेस सॉल्यूशंस। मायोपिया इज बेसिकली नियर साइटेडनेस, जहां पर इंसान को दूर का नहीं दिखता, जहां पर इंसान को दूर का नहीं दिखता। इमेज का फॉर्म होती है भाई, सर इमेज फॉर्म होती है रेटिना के पहले। क्या कॉजेस होते हैं इसके, पहला कॉज होता है डिक्रीज इन फोकल लेंथ, दूसरा इलोंगेशन ऑफ बॉल आईबॉल। सॉल्यूशंस, कौन सा लेंस यूज करे सर, डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कनकेव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर के अक्रॉस किस तरीके से जाती है, देखिए ध्यान से। स्ट्रेट ये लिया अपन ने, यहां पर एक कार्डबोर्ड रखा, यहां से एक बैटरी कनेक्ट करी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट गया, ये जनरेट करता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या जनरेट करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। स्ट्रेट वायर का निकालने के लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जो बेसिकली डिनोट करता है थंब करंट की डायरेक्शन और फोर फिंगर स्पीड की डायरेक्शन। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज, मैं नीचे जा रहा है तो ये इस तरफ चल जाएगा, ये बेसिकली। ठीक है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ज्यादा करंट होगा यानी ज्यादा फील्ड होगी, कम करंट होगा यानी कम फील्ड होगी, और दूसरा इनवर्सली टू लेंथ ऑफ वायर, यानी ज्यादा अगर लेंथ ऑफ वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगी, और कम अगर लेंथ ऑफ वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगी। दिस इज द स्ट्रेट वायर। कैलकुलेट द हीट इफ 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 50 वोल्ट्स इन 5 आवर्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। हीट होता है I²RT। दो रास्ते, या तो आई निकालते बैठो, आर निकालते बैठो, बट इससे बढ़िया V = W / Q होता है।
V is equals to W upon Q, voltage is equals to work upon charge. Voltage कितना दिया? 50 कूलम, 96,000. ये इधर चले जाएगा, 96,000 into 50. ये उधर 480 and 40. That is 4.8 into 10 की पावर 6 joules. वर्क ही हीट होता है, तो हीट भी इतनी हो गई, 4.8 into 10 की पावर 6 joules. आपको यहां पर एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी कि ऑल द वर्क इज बीन कन्वर्टेड इनटू हीट. शो दैट टोटल आवर ऑफ पैरेलल इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. बढ़िया क्वेश्चन है, आने की पूरी चांसेस कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 होता है. तो सर इसका फॉर्मूला बना कैसे? पहले तो ये सर्किट बनाया हमने, पैरेलल में जो आई होता है वो डिफरेंट जाता है, वेरस जो वी होता है वो सेम जाता है. हमारे घरों में यूज होता है ये. तो मान लेते हैं ये वाला आर वन आर टू आर थ्री, आई सबको अलग मिल रहा है, आई वन इसको, आई टू इसको, आई थ्री. वोल्टेज लगा देते हैं यहां पर वी, वी तो सबको ही सेम मिल रहा है. तो टोटल करंट होगा आई, जो बराबर होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. यानी आई वन यानी आर वन को मिलने वाला करंट, आई टू यानी आर टू को मिलने वाला करंट, और आई थ्री यानी आर थ्री को मिलने वाला करंट. आई की जगह लिख सकते हैं वी अपॉन आर, यहां पर लिखेंगे वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू और वी अपॉन आर थ्री. सर कैसे लिखा हमने ये? बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ यही तो है दोस्त, वी अपॉन आर. वी कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. वी से वी गया, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. और पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बहुत इंपॉर्टेंट, चार पांच प्रॉपर्टीज है भाई. पहला, जाते हैं नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, दे ऑलवेज फॉर्म द क्लोज्ड कर्व्स. थर्ड, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, सबसे ज्यादा पोल्स पे क्राउडेड है. एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर हो गए तो नेविगेशन में दिक्कत होने लगेगी. एंड एक और, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेसिकली, जब एक ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास होती है तो वो सात अलग अलग कलर्स में पास हो जाती है, जिसका नाम होता है विब ग्योर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सातों कलर को स्पेक्ट्रम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है. शो हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन ग्लास स्लैब. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, कि ग्लास स्लैब के अंदर किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है. पहले ग्लास स्लैब बनाइए, एक ग्लास स्लैब बनाया, यहां पर एयर, यहां पर ग्लास एंड यहां पर अगेन एयर. आएगी रे, दैट इज इंसिडेंट. नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स नॉर्मल. ग्लास से एयर में जा रही है, यानी रेयर डेंसर से रेयर में, तो यहां पर एक नॉर्मल लाइन है और अवे फ्रॉम नॉर्मल. इट इज इंसिडेंट रे, इट इज रिफ्रैक्टेड रे, इट इज इमर्जेंट रे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, ये आपको बनाते आना चाहिए. शो पावर ऑफ अकोमोडेशन, बहुत सिंपल है. जब हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना रहता है तो हमारे सीलियरी मसल्स हमारे लेंस को पुल कर देते हैं, मेकिंग इट थिन, पतला बना देते हैं. और जैसे ही वो पतला बन जाता है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है. और वहीं अगर पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको पुश करेंगे, मेकिंग इट थिक टू डिक्रीज द फोकल लेंथ. इस यूनिक प्रॉपर्टी को जो सीलियरी मसल्स करते हैं ताकि हम एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ कर पाए, उसको पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला गया है. ठीक है, अब बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ. चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की तरफ. सबसे पहले एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले माउथ से खाना खाएंगे, सलाइवा है, टीथ है, सलाइवा के अंदर अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, देन वो ईसोफेगस द्वारा स्टमक तक पहुंचाया जाएगा.
याद रखे ईसोफेगस में कोई डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता है। स्टमक के अंदर तीन चीजें होती है, HCL, म्यूकस, थर्ड इज पेप्सिन। HCL का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, अगर HCL बढ़ जाता तो हम बेकिंग सोडा लाइक एंटा एसिड खाते हैं। म्यूकस का काम है ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, प्लस HCL से स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना। पेप्सिन का काम है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट करना। आफ्टर स्टमक जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस बढ़ाने के लिए एक है इंटेस्टाइन विलाय, जो सरफेस बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। फिर इसमें अनंत जूस मिलते हैं लाइक बाइल जूस जो लीवर का है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। पेंक्रियास के जूस लाइक ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ठीक है, पेंक्रियास के जूस आपको मिल जाते हैं। फिर जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। व्हाट अ प्लांट्स ट्रॉपिक मूवमेंट, पांच होते हैं भाई, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, फोर्थ हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ कीमोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इज टूवर्ड सनलाइट, जियोट्रॉपिज्म इज टूवर्ड ग्रेविटी, थिग्मोट्रॉपिज्म इज टूवर्ड सपोर्ट लाइक मनी प्लांट, हाइड्रोट्रॉपिज्म इज टूवर्ड्स वॉटर, कीमोट्रॉपिज्म इज टूवर्ड केमिकल। केमिकल में आपका पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो वाला आ जाएगा। सनलाइट में ये याद रखना पॉजिटिव शूट्स नेगेटिव रूट्स, जियोट्रोपिज्म में पॉजिटिव रूट्स नेगेटिव शूट्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला है फिजन, फिजन के अंदर है पहला बाइनरी फिजन एंड देन है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है अमीबा के अंदर, लीशमैनिया के अंदर जो काला असर कॉज करता है। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर जो बेसिकली मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। देन इज बडिंग, बडिंग जिसमें आउटग्रोथ बड ग्रो होता है जो हाइड्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बडिंग के बाद स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस पता है ना जो ब्रेड मॉल्ड के ऊपर रखता है। याद रखना इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं स्पोरिंजिया और हाइफ HYPHAE। फिर हो रहा है रीजनरेशन जो होता है प्लेनेरिया के अंदर। फिर फ्रेगमेंटेशन जो होगा स्पायरोगायरा के अंदर। फिर वेजिटेशन जो बेसिकली प्लांट्स के अंदर होता है, इसके अंदर भी दो है, नेचुरल वेजिटेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग जिसका एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल में चार आते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये चार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद द फीमेल ओवा या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। पॉलिनेशन स्टिग्मा पे होता है, फर्टिलाइजेशन आपका ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। और देखिए एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पायोरेट बाय डिफरेंट प्रोसेस। पायोरेट के डिफरेंट प्रोसेस से किस तरीके से हम उसको बनाते हैं बहुत इजी है, समझ लेते हैं वो वाली चीज भी। सबसे पहले सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ये टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म तीन तरीके। पहला O2 की प्रेजेंस में जिसमें बनता है CO2 प्लस O2 प्लस 38 ATP, ये ह्यूमंस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। फिर होता है लैक ऑफ O2 जिसमें बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। फिर बनता है एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ O2 जिसमें बनता है ईस्ट के अंदर इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 प्लस 280। ईस्ट में होने वाली ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये पायोरेट की चीज है। एक्सप्लेन फूड चेन इन 10% लॉ। फूड चेन इज द यूनिडायरेक्शनल चेन इन विच वन एनिमल या वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इज एनर्जी कंजम्पशन। 10% लॉ फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया।
अगर ग्रास हॉपर को 10,000 जूल ऑफ एनर्जी मिली है, तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ फ्रॉग को 10% यानी 1,000 जूल, स्नेक को 100 जूल एंड हॉक को 10 जूल ये मिलेगी आपको। ठीक है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेनेवर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट कम टुगेदर ऑलवेज डोमिनेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ टॉल टॉल इनटू शॉर्ट शॉर्ट, तो हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, दैट इज टॉल डोमिनेंट। एक्सप्लेन अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीशन। लॉ ऑफ सेग्रीशन बेसिकली जब हम जीन्स को अलग अलग करते हैं, याद होगा ना इसको, फिर हम अलग अलग करते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो जब ये सेग्रीगेट किया जाता है क्यों करते हैं, ताकि जीन्स फॉर्मेशन हो, तो ये सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला। एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। हाँ सर, बड़ा इजी है। ह्यूमन हार्ट कितने चैंबर्ड हार्ट है? 4 चैंबर्ड हार्ट है। यहां पर है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर बॉडी ऑर्गन्स, फिर लंग्स। बॉडी ऑर्गन से लेके राइट आर्टियम तक कौन? वेना कैवा, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्टियम ने राइट वेंट्रिकल को दे दिया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स उसे दे देंगे O2। लंग्स आएगा लेफ्ट आर्टियम, लेके आएगी पल्मोनरी वेन, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट आर्टियम दे देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन तक लेके आएगा एओटा। ये रहता है बेसिकली, दो बार ब्लड आया इसलिए इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स वर्किंग? रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन एक्शन जो हमारी बॉडी करती है कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए। कैसे होगा? सबसे पहले होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसेप्ट क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये ले जाता स्पाइनल कॉर्ड। कौन ले जाता? सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड में आता है रिनल न्यूरॉन, फिर वापस चीज आती है स्पाइनल कॉर्ड, बताती है कि भाई पीछे हटालो हाथ, तो सेंसरी न्यूरॉन से कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन। और वही ये जो रिसेप्टर है यह इफेक्टर बन जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन लेयर एंड व्हाई इट इज डिप्लीटिंग? ओजोन लेयर इज ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल जिसका काम होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ये यूवी रेज ह्यूमन बॉडी में स्किन कैंसर कॉज करती है, और ये डिप्लीट क्यों हो रही है? ड्यू टू द एक्सेस यूजेज ऑफ CFCs, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के एक्सेस यूजेज की वजह से डिप्लीट होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। तो दिस वॉज द वीडियो जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लास्ट वीडियो थी एमपी बोर्ड्स के लिए, कल आपके पेपर खत्म हो रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, कभी भी लाइफ में कुछ भी लगे डू आस्क फॉर मी, डू टेक हेल्प फ्रॉम मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू। राधे राधे।